जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज लेके आए हैं आयनिक साम्यावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था का ये दूसरा भाग है। पहले हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था के बारे में, यहाँ पर हम जानेंगे आयनिक साम्यावस्था के बारे में। बच्चों, आयनिक साम्यावस्था का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे विद्युत अपघट्य के बारे में। विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी गलित या जल की घुलित अवस्था में विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी पदार्थ को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा? सर, वो गल जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल सही। और अगर आप जल में घोल रहे हैं तो वो घुल सकता है। तो अगर कोई पदार्थ अपनी गलने की अवस्था में, क्लियर, या फिर वो अपनी घुलित अवस्था में यानी कि विलयन अवस्था में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो अगर हो जाती है तो वो कहलाएगा विद्युत अपघट्य। उदाहरण देख लीजिए, NaCl कर रहे थे, HCl, एसिटिक एसिड, NaOH, KOH, H3PO4, ये सब आपको रासायनिक प्रयोगशाला में सरलता से देखने को मिल जाता है, जबकि NaCl आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारे विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। अगर हम लोग इनको देखें तो इनके जलीय विलयन में सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। विद्युत अपघट्य गलित या घुलित अवस्था में आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो गल जाएगा, पिघल जाएगा, या फिर आप उसको जल में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा। और दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे वो गले या फिर वो घुले, वो हमेशा अपने आयनों में विभक्त या विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे देखें, आपके लिए दो एग्जाम्पल दिए हैं। पदार्थ हमारा एक ही है, NaCl जो है विद्युत अपघट्य है। यहाँ पे हमने ठोस लिया है, तो पहली अभिक्रिया में देखिए NaCl ठोस जो है उसको हमने गर्म किया, और गर्म को हम लोग बच्चों ट्रायंगल से दिखाते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा? सर, वो पिघल जाएगा, और पिघलने को हम क्या बोलते हैं? द्रव अवस्था। तो हमने यहाँ लिक्विड लिखा हुआ है, क्लियर है? तो Na प्लस लिक्विड या द्रव प्लस Cl माइनस लिक्विड या द्रव अवस्था। तो ये आप देखिए, NaCl ठोस गर्म करने से Na धनायन और Cl ऋणायन में टूट गया है, विभक्त हो गया है। तो आप ये बताइए, NaCl क्या हुआ? विद्युत अपघट्य है, स्पष्ट है आपको? अब दूसरा उदाहरण लीजिए, इसी पदार्थ NaCl को हम लोग क्या कर रहे हैं? जल में घोल रहे हैं, और जब जल में घोला तो ये टूट गया Na धनायन और Cl ऋणायन में, और जलीय अवस्था को हम लोग दिखाते हैं एक्वस या जलीय। यहाँ पे आप जलीय भी लिख सकते हैं, लेकिन जलीय से एक्वस लिखना सरल है। तो भाई मैंने क्या लिख दिया? AQ, समझ गए आपको? तो L से दिख रहा हमारा द्रव अवस्था, और यहाँ पे दिख रहा हमारा जलीय अवस्था यानी कि जलीय विलयन। तो दोनों अवस्थाओं में NaCl में क्या हुआ? बोलो भाई। सर, टूट गया। भाई किस में टूटा? उसके आयनों में टूटा। कौन से आयन मिले NaCl से? Na+ और Cl-। इसलिए ये पदार्थ कहलाएगा विद्युत अपघट्य। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ गर्म करने पर या जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है तो वह विद्युत अपघट्य कहलाता है। इस अभिक्रिया से आपको यह स्पष्ट हुआ होगा। अब बच्चों, मेरा एक छोटा सा सवाल है, जवाब तो बनता है, देखते हैं कौन जवाब देता है। थोड़ा सोच के बोलिएगा कि मेरे पास एक धातु की छड़ है मान लीजिए, और ये मेरा एक हाथ में पेन है। तो दो चीजें मेरे पास हैं, और दोनों को मैं बारी बारी से बिजली के तार पर, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस पर टच करता हूँ, लगाता हूँ। तो बताइए क्या होगा? सर, होना क्या है? अगर पेन लगाया तो बहुत अच्छा है, पर अगर धातु की छड़ या चम्मच लगा दी आपने तो क्या होगा? लगा 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 करंट लगेगा आपको। बिल्कुल सही। तो ये बताइए कि करंट तो दोनों अवस्थाओं में ही बह रहा था, लेकिन प्लास्टिक से मुझे नहीं लगा, लेकिन धातु की छड़ लगाने पे मुझे करंट लगने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि धातु जो है वो सुचालक पदार्थ है, लेकिन जो आपका प्लास्टिक है, रुई है, लकड़ी है, सर वो क्या है? सर, वो सारे के सारे उदाहरण है कुचालक के। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो सुचालक कहलाता है, लेकिन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, बोलो भाई, क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। बिल्कुल सही। तो प्लास्टिक क्या हुआ? कुचालक। तो सर, ऐसा क्या है कि किसी पदार्थ में यानी कि धातु में करंट प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होती है, लेकिन प्लास्टिक में धारा प्रवाहित नहीं होती? बताओ भाई, कारण बताओ। हाँ जी, बोलिए।
बच्चों यहाँ पे नोट है, वैसे तो आप लोग पढ़ के आए होंगे पर इसको ध्यान रखिएगा, अगर जिसको नहीं आता है उसको ये ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयनों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो देखिए प्लास्टिक के अंदर ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही आयन होते हैं, लेकिन इसके विपरीत धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन हो किसी पदार्थ के अंदर या फिर आयन हो तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी, अर्थात वह बन जाएगा सुचालक। तो बताइए हमारा NaCl क्या है? सर सुचालक है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में हमको आयन मिलते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। प्लास्टिक में ना हमको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ना हमको आयन मिलते हैं, इसलिए क्या है ये? कुचालक। तो क्लियर हुआ, विद्युत अपघट्य सुचालकों के उदाहरण है। बोलो भाई क्लियर हुआ? उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, NaCl ठोस कुचालक है परंतु गलित या जल गलित अवस्था में सुचालक है। अभी स्पष्ट किया था क्योंकि गलित अवस्था में भी ये आपको आयन देगा और द्रव अवस्था में जलीय विलयन के अंदर भी घुलने गलने के बाद भी ये आपको आयन देगा, तो दोनों अवस्था में क्या हुआ सर? ये सुचालक है। लेकिन ठोस क्या होगा? कुचालक है। बताओ क्यों? क्योंकि ठोस के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही आयन है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं विद्युत अपघट्य के प्रकार की। तो बच्चों विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल या वीक विद्युत अपघट्य, दूसरा होता है प्रबल या स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य। क्लियर हुआ बच्चों? दुबले और यहाँ पे प्रबल का मतलब ये नहीं कि हमको यहाँ पे बाहुबली से लड़ाई लड़नी है, बस ये प्रतीक है इनकी क्रियात्मकता के। तो आइए जानते हैं दुर्बल किस लिए बोलते हैं। बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर पूरे वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से टूटते नहीं है आयनों में, तो उनका वियोजन या अपघटन कैसा होगा? अपूर्ण। लेकिन अगर बात करें प्रबल विद्युत अपघट्य के, तो वहां पर वे पूर्ण रूप से टूट जाते हैं आयनों में, यानी उनका पूरा का पूरा अपघटन संभव होता है। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। लेकिन जहां पे पदार्थ जो होते हैं वो पूर्ण रूप से टूट नहीं पाते हैं आयनों में, वो कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनके जलीय विलयन में आयनों की संख्या कम होती है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या अधिक होती है। सर ये तो आपको पहले ही स्पष्ट हो गया था, आपने देखा था कि जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो पूरा का पूरा वियोजित नहीं हो पाएगा, अपूर्ण होगा। अपूर्ण होगा तो आयनों की संख्या कम होगी, लेकिन प्रबल की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा वियोजित हो जाता है, अर्थात यहाँ पे आयनों की संख्या दुर्बल की तुलना में अधिक होगी। और आप जानते हैं कि जब आयनों की संख्या कम होगी तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? सर आउटपुट की मात्रा कम होगी, विद्युत धारा उतनी प्रबलता से प्रवाहित नहीं होगी जितनी प्रबलता से प्रबल विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होगी। क्योंकि बच्चों ये दुर्बल सुचालक है, सुचालक में यह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयनों की संख्या कम है, ये प्रबल सुचालक का प्रतीक है क्योंकि यहाँ पे आयनों की संख्या अधिक है, और ये सब निर्भर कर रहा है इनके वियोजन होने की क्षमता पे। तो प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित होता है, आयनों की संख्या अधिक होती है और यहाँ पे प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा भी अधिक होगी। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा, आयनों की संख्या कम होगी और जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी उसका मान भी कम होगा। अब ये स्पष्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। तो देखिए हमने यहाँ पे एसिटिक अम्ल लिया हुआ है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रतीक बनाया हुआ है और ये टूट गया हमारा एसिटेट आयन और एच आयन में। यहाँ पे जलीय को बताया था, एक्वस से भी दिखाते हैं। आप थोड़ा सोचिए कि सर साम्य अवस्था का यहाँ प्रतीक बनाया हुआ है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और इसका तात्पर्य ये है कि एसिटिक अम्ल भी रहेगा और इसके आयन भी रहेंगे क्योंकि ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। स्पष्ट है आपको? अब लेते हैं दूसरी तरफ प्रबल विद्युत अपघट्य NaCl को। NaCl को जब आप जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से टूट जाता है Na प्लस और Cl ऋणायन में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो अनुष्क्रमणीय है, जो केवल एक दिशा में गति करती है, आगे की ओर गति करती है, पीछे की ओर नहीं जाती। इसका तात्पर्य है कि अभिक्रिया के बाद आपको पूर्ण रूप से Na प्लस और Cl आयन ही मिलेंगे, NaCl नहीं बचेगा, अर्थात पूर्ण वियोजन हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया है साम्यावस्था में, और साम्यावस्था में प्रक्रम पूरे नहीं होते। बंधु बात है छोटी सी पर है बड़ी गंभीर, ध्यान रखिएगा। उद्बल विद्युत अपघट्य को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और प्रबल विद्युत अपघट्य को हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं।
तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के और प्रबल विद्युत अपघट्य के सामान्यतया प्रयोग होने वाले उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको जान लीजिए। एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फास्फोरिक अम्ल, HCN आदि, ये जो हैं ये कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। लेकिन HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड आदि, ये हमारे हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण। तो बच्चों आज हमने आयनिक साम्यावस्था के इस पहले पार्ट में, पहले भाग में जाना, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरणों के बारे में। आयनिक साम्यावस्था के अगले भाग में हम लोग जानेंगे बच्चों डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर आयनन की मात्रा के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक।